दोस्तों, आज इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ कि इजीली कैसे मेहंदी लगाए या मेहंदी लगाने के समय क्या ऐसा थॉट्स रखे जिससे हमारी मेहंदी इजीली लग जाए बा जल्दी लग जाए। देखिए, मेहंदी ऐसा एक आर्ट फॉर्म है जिसमें कलर नहीं है। कलर मतलब लगाने के बाद आफ्टर कलर आता है, बट कलर टोन के साथ हम लोग कलर स्कीम के साथ नहीं खेल सकते। तो इसमें जैसे कोई भी ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें कलर स्कीम यूज नहीं होता है, पेंसिल स्केचअप हुआ या कोई दूसरा है जिसमें कलर्स नहीं है, एक ही सिंगल कलर से आपको खेलना है, तो उसमें जो मेन होता है वो है लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन। लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे थोड़ा डार्क काम किया हुआ है, थोड़ा डार्क काम किया हुआ है, तो पीछे हम लोग थोड़ा सा लाइट काम किए, क्योंकि ये स्टूडेंट के काम है। आप देख सकते हो कि वो लोग भी ये कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, डार्क काम लाइट काम लाइट काम, ठीक है, डार्क काम लाइट लाइट काम लाइट काम। अब अगर आप लोग ध्यान दोगे, जो डार्क काम है क्योंकि ये लाइट वर्क हुआ है बगल में, तो ये इन्हेंस हो गए हैं, ये इन्हेंस हो गए। तो अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो जो डार्क है, उसके बाद आपको लाइट काम करने हैं, तो तुरंत आपको लाइट जो डिज़ाइन है वो याद आने लगेंगे। यहाँ पे देखिए, डार्क काम किया हुआ है, इसमें उसने लाइट बॉर्डर यूज़ किया है, सामने भी लाइट फिलअप का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये लाइट काम किया हुआ है, उसके बाद उन्होंने डार्क काम के चेक्स बनाए हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से पूरा डिज़ाइन सेट है, डार्क लाइट कॉन्सेप्ट से पूरा डिज़ाइन सेट है। इससे जल्दी याद भी आ जाते हैं हम लोगों को डिज़ाइन को करने के समय, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट, ऐसे करके ये पूरा कॉम्बिनेशन सेट किया हुआ है। तो मुझे लगता है अगर आप ये ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग किसी डार्क काम को किए हैं उसके बाद थोड़ा लाइट काम करेंगे, तो जल्दी भी याद आ जाएगी कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके बाद क्या करना है, तो उससे आपकी टाइम भी सेव होगी और डिज़ाइन भी इन्हेंस होगी लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन में।